गाइस, क्या आप लोगों को पता है हमारे घर में ग्रेनी आ चुकी थी, मगर कैसे? तो आज हम लोग वही पता लगाएंगे आखिर ग्रेनी हमारे घर में किस रास्ते से आई थी और आखिर वो रास्ता है कहाँ पर जो मुझे नहीं दिख रहा। वेल गाइस, अभी ग्रेनी हमारे घर पर नहीं है क्योंकि वो रोज सुबह आती है और मेरा सारा ब्रेकफास्ट खा जाती है। पता नहीं यार मैंने उसे क्या बिगाड़ा, मगर आज जो उसने मेरे साथ किया आज मैं उससे बदला लेने वाला हूँ। और ऐसा वैसा बदला नहीं, उसी के घर जाकर उसी को टपकाऊंगा। अरे मजाक लग रहा है तुम्हें? ये देखो साइड का सीधा तोड़ दिया, तो क्या छोड़ दूंगा उसे? तो वेल गाइस, अभी अपन पूरा घर का चक्कर लगाने वाला है और देखूंगा भाई किस रास्ते से आती है यार। ओके गाइस, तो मैं समझ गया, लगता है मुझे फिर से उस बाबा के पास जाना पड़ेगा और ग्रेनी का पता करना ही पड़ेगा। उस बाबा के पास हर समस्या का हल होता है, ग्रेनी का घर का तो पता बता ही देंगे। ऑलराइट गाइस, बाबा हमें मिल चुके हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं गाइस, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं। अरे बाबा जी, मुझे आपसे कुछ काम था। अरे बालक, क्या काम था मेरे से? अरे बाबा, मेरे घर में रोज रात को ग्रेनी आती है, उसे कोई हल बता दो। अरे बेटा, हल बताने के लिए बाबा को रोकड़ा मांगता है कि नहीं तेरे पास? अरे दे रहा हूँ बाबा जी, दे रहा हूँ। अरे ये लो बाबा, पूरे 80,000 है, 80,000। तेरा घर इसमें चले जाएगा। अरे बेटा, पहले ये बताओ तुमने आज तक ऐसा कौन सा कांड किया जो लोगों से छुपाते आ रहे हो? अरे बाबा जी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे। अरे बेटा, क्या तुमने अपनी गाड़ी से किसी को टपकाया है क्या? शायद मैंने। अरे वो तो एक हादसा था, अपनी जान बचाने के लिए इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और क्या। अरे लड़के, तूने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया क्योंकि वो एक ग्रेनी का भाई था और जैसे ही तूने अपनी गाड़ी से उसे टपकाया तो ग्रेनी का टनल तेरे घर पर खुल गया और अब तुझे उस टनल को दोबारा खोलकर उस पर आग लगाना पड़ेगा जिससे ग्रेनी चली जाए। और ये सब करने के लिए तुझे अपनी इस गाड़ी को कुर्बान करना पड़ेगा जिससे तूने उसके भाई को टपकाया था। अरे बाबा, ये नहीं हो सकता यार, कोई दूसरा उपाय बताओ। अरे तब कांग्रेचुलेशन, तेरी मौत बहुत जल्द आने वाली है। अरे नहीं हो सकता है यार, जरूर हो सकता है। हाँ, पिछले साल ही तो मैंने गाड़ी लिया था और अब उस ग्रेनी के लिए गाड़ी को भी कुर्बान करना पड़ेगा यार। और इस तरह वो लड़का अपनी बिखरी हुई जिंदगी वापस पाने के लिए उस गाड़ी को समुद्र में जाके बहा दिया और अब वो बदले की आग में पूरी तरह जल चुका था क्योंकि अब उसे चाहिए थी ग्रेनी से बदला। तू मेरे से नहीं बचने वाली है, तेरा मौत नजदीक आ चुका है, जहाँ छुपना है तू छुप ले। अरे वो तो ठीक है, मगर उस बाबा ने तो मुझे बताया नहीं कि वो ग्रेनी आती कहाँ से। OMG, ये रहा उसका रास्ता, तो यहाँ से आती है, मुझे फटाफट इसको आग लगाना पड़ेगा जैसे कि बाबा ने मुझसे कहा था। अरे वो सब तो ठीक है, मगर मुझे खींच कौन रहा है? गाइस, ये मैं कहाँ गया हूँ और ये कैसी जगह है, काली काली सी। हाँ, देख के तो लग रहा है भाई कोई भूतिया जगह में आ गया हूँ। क्या रे भिकमंगे? अरे तेरी ऐसी की तैसी भिकमंगा कौन बोल रही है, सामने आओ। अरे नादान लड़के, पीछे देखो पीछे। अरे पर पीछे कहाँ देखूँ अब? अरे ग्रहणी अम्मा, मैं तो बस घूमने आया था, सच्ची बता रहा हूँ। अरे बेटा, तुझे कितनी बार कहा है बाबा के चक्कर मत रहा कर, वो तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था जो तेरे घर पर मेरा टर्मिनल खुल नहीं रहा था और तू बाबा के बातों पर आकर फिर से मुझे आजाद कर दिया। खैर अब तू नीचे देख। अरे ग्रेनी अम्मा प्लीज यार, जाने दो मुझे। तूने मेरा भाई को जाने दिया नहीं, ना मैं तेरे को टपकाएगी।